यूपी के लखीमपुर खीरी में पहली बार अनोखी कांवड़ यात्रा देखने को मिली, जहां कांवड़ यात्रा में लोगों ने पेड़ पौधे को कांवड़ में शामिल किया। आपको बता दें, दूषित जहरीली वायु रूपी विष को पीकर जीवनदायी प्राण वायु देने वाले पौधों को साक्षात शिव रूप मानते हुए गायत्री परिवार ने पवित्र श्रावण मास में वृक्ष गंगा कांवड़ यात्रा निकाली। बाल संस्कार शाला के बच्चों के साथ जय जय शिव शंकर, पेड़ लगाओ जमकर जैसे पौधरोपण प्रेरित करने वाले नारे लगाते हुए गायत्री परिवार की कांवड़ यात्रा शक्तिपीठ के सजल श्रद्धा प्रखट प्रज्ञा की परिक्रमा करके संकटा देवी चौराहा भुड़फूर्मानाथ मंदिर होते हुए लिलौटीनाथ मंदिर पहुंची, जहां पर पौधों को शिव मंदिर की परिक्रमा कराई गई। गायत्री परिवार के अनुराग मौर्य ने बताया कि भगवान भोले शंकर ने कभी भी कोई भी नशा नहीं किया, लेकिन भोले के भक्त बाबा के नाम पर अनेकों प्रकार के नशे करते हैं और समाज में नशा वृत्ति को प्रोत्साहन करते हैं। इस नशा वृत्ति को हतोत्साहित करने तथा लोगों को वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण अभियान से जोड़ने के उद्देश्य से गायत्री परिवार श्रावण मास में भक्तों द्वारा निकाली जाने वाली हुड़दंगपुर अनर्गल कांवड़ यात्रा को समाज के लिए सृजनात्मक रूप देते हुए वृक्ष गंगा कांवड़ यात्रा का आयोजन कर रही है, जिसमें पौधारोपण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त श्रावण मास है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण को सुरक्षित करने का अभियान चलाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से टीम टीवी 30 इंडिया के साथ संजय राठौर की रिपोर्ट। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए टीवी 30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।